तो हेलो गाइस, मेरा नाम है इस्लाम खान और आप देख रहे हैं इंडियन एक्शन। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली, क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ गुजरात स्टेट वर्सेस सिंध प्रोविंस अनबायस कंपैरिजन। तो चल के देख लेते हैं वीडियो। लेकिन अगर आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देख लेते हैं वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और आप सभी का वेलकम है आज के इस कंपैरिजन वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे इंडिया की स्टेट गुजरात को पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध के साथ। तो इस वीडियो के सभी फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छी वीडियो बना। गुजरात इंडिया की एक स्टेट है और सिंध पाकिस्तान का एक प्रोविंस है। गुजरात को 1 मई 1960 में एस्टैब्लिश किया गया था और सिंध को 1 जुलाई 1970 में एस्टैब्लिश किया गया था। अगर बात की जाए एरिया की तो गुजरात का एरिया 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर है और वहीं पर सिंध का एरिया 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर है। गुजरात स्टेट में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सिंध प्रोविंस में 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर बात की जाए पॉपुलेशन की तो गुजरात स्टेट की पॉपुलेशन 64 मिलियन पीपल है और वहीं पर सिंध प्रोविंस की पॉपुलेशन 48 मिलियन पीपल है। लैंग्वेजेस में गुजरात की ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती और हिंदी है और वहीं पर सिंध की ऑफिशियल लैंग्वेज सिंधी और उर्दू है। अगर बात की जाए HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तो गुजरात स्टेट का HDI 0.667 है और सिंध प्रोविंस का HDI 0.533 है। कम लिटरेसी रेट में गुजरात स्टेट का लिटरेसी रेट 83% है और पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध का लिटरेसी रेट 65% है। कम है काफी। अगर बात की जाए GDP की तो इंडिया की स्टेट गुजरात की GDP 260 बिलियन US डॉलर है और पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध की GDP 100 बिलियन US डॉलर है। गुजरात स्टेट में 17 टोटल एयरपोर्ट्स हैं और पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में 20 टोटल एयरपोर्ट्स हैं। अगर बात की जाए एवरेज इनकम की तो गुजरात स्टेट में एवरेज इनकम 35,000 इंडियन रुपीस है और वहीं पर पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में एवरेज इनकम 25,000 पाकिस्तानी रुपीस है। इंडिया की स्टेट गुजरात के सेफ्टी और सिक्योरिटी में 4 स्टार्स हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी 4 स्टार्स हैं और डेवलपमेंट में 5 स्टार्स हैं। वहीं पर पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध के सेफ्टी और सिक्योरिटी में 2 स्टार्स हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी 2 स्टार्स हैं और डेवलपमेंट में 3 स्टार्स हैं। अगर बात की जाए फेमस सिटीज की तो इंडिया की स्टेट गुजरात की फेमस सिटीज में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और गांधीनगर है और वहीं पर पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध की फेमस सिटीज में कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह है। तो इन सब के साथ अगर फेमस फूड्स की बात ना की जाए तो ये कंपैरिजन अनफेयर होगा। तो इंडिया की स्टेट गुजरात के फेमस फूड्स में खंडवी, गुजराती समोसा, हुंदियू, गुजराती कढ़ी और ढोकला है। और वहीं पर पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध के फेमस फूड्स में दाल पकवान, सिंधी करी, कोकी, साई भाजी और ज्वार जो बाथू है। ये क्या है? तो ये थी आज की कंपैरिजन वीडियो जिसमें हमने कंपेयर किया इंडिया की स्टेट गुजरात को पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध के साथ। तो यहीं पे वीडियो खत्म हो गया एंड आप लोग प्लीज बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यार वीडियो बहुत अच्छी लगी, एरिया उधर का कम है, मतलब उनके मतलब सिंध का और गुजरात का एरिया काफी ज्यादा है और गुजरात है भी काफी उससे आगे, मतलब यार GDP में भी आगे, लिटरेसी में भी काफी आगे, पॉपुलेशन में भी काफी आगे है वो। एयरपोर्ट्स लेकिन उधर ज्यादा है, मतलब 3 एयरपोर्ट्स उधर ज्यादा है, इधर कम है 3। मतलब सैलरी उधर काफी कम है, अगर उधर के भी हिसाब से देख ले जाए, इधर के जितने 35 तो उधर 25, उधर सैलरी काफी कम मिलती है। इनकम लिटरेसी उधर की मतलब काफी कम है, मतलब जितनी भी मैंने सिटीज देखी है सब में लिटरेसी 60-65 या 70 मैंने अभी तक किसी सिटीज में नहीं देखी। जैसे सिंध प्रोविंस मतलब कराची, हैदराबाद मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस सिटीज उधर की आती है, लगभग ज्यादा बड़ी बड़ी सिटीज सब उसी में आती हैं। एंड वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।